हेलो गाइस, दिस इज तरुण कपूर। तो आज की वीडियो मेरी उन भाइयों के लिए है जो मुझे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं मेरे फेसबुक पे, मेरे इंस्टाग्राम पे। क्योंकि मैं कहीं भी जा रहा हूं, आप सब मुझे मिल रहे हो और आप मुझसे ये कहते हो कि सर मैं आपको फॉलो करता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन सब के लिए थैंक यू सो मच यार, जो मुझे आप फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियो को देखते हो, और जो मेरे फेसबुक पे जो फ्रेंड है जो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो यार उन सब के लिए भी थैंक यू सो मच मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा लगता है जब आप मुझे मैसेज करते हो, मतलब आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो। तो मैं उन सब भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि यार आप थोड़ा एक्सरसाइज ढंग से लगाइए, क्योंकि आपकी वर्कआउट स्प्लिट अच्छा नहीं है। क्योंकि सबसे पहले आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, तभी आपकी बॉडी बनेगी। क्योंकि लोगों को तीन तीन चार चार पाँच पाँच साल हो जाते हैं, उनकी बॉडी नहीं बनती, तो मुझे यार बहुत बुरा लगता है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं डेली जिम में जाता हूँ, लोग बाग गलत एक्सरसाइज लगाते हैं, तो मैं किस किस को समझाऊँ। मैं वीडियो ही बना सकता हूँ और मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद टाइम नहीं होता कि मैं सबको बताऊँ। तो थोड़ा सा यार ध्यान में रखो, देखो ट्रेनर कुछ नहीं करेगा, सब कुछ आपको ही करना है, आपको ही सीखना है और आपको ही एक्सरसाइज लगानी है। ट्रेनर भी बता सकते हैं, लोगों के पास पैसे नहीं होते तब भी लोग कैसे ना कैसे करके जिम जाते हैं। और आपको पता ही है कि जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनका कितना खर्चा होता है पर मंथ। तो मैं उन भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि यार वर्कआउट करो तो अच्छे से करो। क्योंकि यार आप खुद एक बात सोचो, जो बॉलीवुड के स्टार हैं, मैं बात करूँ आमिर खान, मैं बात करूँ आपका जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन, क्यों उनकी चार चार छः छः महीने में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है? बिकॉज उनकी डाइट, उनकी एक्सरसाइज, एक उनके पास एक प्रॉपर प्लान है जिससे वो इतनी जल्दी अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मैंने खुद चार महीने में ट्रांसफॉर्मेशन किया है विदाउट सप्लीमेंट। चाहे लोग माने या नहीं माने, ये बात सच है। क्योंकि देखो यार, बॉडी आपको बनानी है, लोग आएंगे बोल के चले आएंगे कि भाई शोल्डर में मज़ा नहीं आ रहा, भाई तेरा बाइसेप का साइज़ कम है, भाई तेरा ये कम है, क्योंकि उनकी खुद की बॉडी नहीं होती, बस उन्हें बोलना होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि आप खुद के ऊपर फोकस करो। जब जिम जाते हो तो किसी को मत देखो, जिम के दौरान जब आप एक्सरसाइज लगा रहे हो खुद अपने पे फोकस करो, खुद एक्सरसाइज करो, लोग आपको खुद देखेंगे। मैं डेली आपके लिए फोटोज़ एंड वीडियोस इसलिए ही अपलोड कर रहा हूँ जिससे आप मोटिवेट होते रहें और डेली बेसिस पे मुझे देखें, मेरी एक्सरसाइज देखें, मैं किस तरह से लगाता हूँ, इसलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। मैं भी जिम जाता हूँ, देखो मेरे पास भी 2 घंटे का टाइम होता है जिम का, सिर्फ 2 घंटे का। मैं 2 घंटे में बहुत जल्दी जल्दी वर्कआउट लगाता हूँ, जल्दी जल्दी मुझे भी काम पे जाना होता है, मेरे भी वर्क होते हैं, डाइट, तभी तो मैं ले पाता हूँ। तो फोकस कीजिए इस बात पे कि डाइट और वर्कआउट ये आपका सही नहीं है। लोग चाहे आपको कितना भी बोले, यार मैं खुद जिम में जाता हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपने इंजेक्शन ले लिए, सर आपने टैबलेट ले ली, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इंजेक्टेबल बॉडी अलग ही दिखती है, उनकी विंग्स वैस्कुलैरिटी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। और आपको पता है मैं वीर जी को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, वीर जी को मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोई पैसे चार्जेस नहीं लेता। स्टार्टिंग में मैंने चार्जेस लिए थे वीर जी से, क्यों? क्योंकि जब तक मैं आपकी जेब में से पैसा नहीं निकालूंगा तब तक आप डाइट पे नहीं जाओगे। और मेरा काम है आपको समझाने का, मैं सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकता। पर्सनल ट्रेनिंग जिसको चाहिए वो आ सकता है, 2 या 3 महीने में मैं आपकी बॉडी बनवा दूंगा और आपको सब कुछ बता दूंगा। और मेरा यही काम है, मेरा पर्सनल ट्रेनिंग का मकसद यही है कि मुझे आप की बॉडी 3 से 4 महीने में बनवानी है और आपको सिखाना है जिससे आप खुद सीख पाएं। क्योंकि मैं आज आपके साथ हूँ, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, आज वीर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीर जी मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो वीर जी अगले साल कनाडा चले जाएंगे, तो वहाँ पर मैं ये नहीं चाहता
कि वो दोबारा से ट्रेनिंग ले और वहाँ पे भी पैसे खर्च करें। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अच्छे से ले, मुझसे 100 क्वेश्चन पूछे। मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझसे पूछते हैं। और वीर जी मैरिड हैं, मैरिड होने के बाद भी उनमें इतना मोटिवेशन है, हैंड्स ऑफ। मैं हैंड्स ऑफ करता हूँ उनके लिए कि इतना मोटिवेशन मैंने अभी तक, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं मैंने अभी तक नहीं देखा। जिस तरह से वीर जी लगाते हैं एक्सरसाइज, हर एक चीज़ को समझते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ जब वीर जी कनाडा जाएंगे, उनका वर्कआउट स्प्लिट देख के कनाडा वाले भी ना डर जाएंगे कि इंडिया से कौन आया ये। तो मैं आपको यही समझाता हूँ, लाइव वीडियो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज डेली, मैं वीडियोस अपलोड, वो फोटोज अपलोड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? आपको मोटिवेशन के लिए दिलाने के लिए, मोटिवेशन दिलाने के लिए, जिससे आप मोटिवेट होते रहो और एक्सरसाइज से लगाओ। बट आप, मैं देखता हूँ, मैं और भी वीडियोस देखता हूँ फेसबुक पे, सब गलत एक्सरसाइज लगाते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके रिजल्ट नहीं आने के। और आपको देखो अच्छे से पता है, अच्छे से, जो लोग जिम जा रहे हैं जिन्हें 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो चुके हैं, जो नेचुरल जो बॉडी बना रहे हैं, उनको भी पता है कि आपको कितने साल हो चुके हैं और आपके कितने रिजल्ट आए हैं। मैं ये बात आपको, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा आपकी, मैं बस आपको बता रहा हूँ। और ये आप, ये बात आपको भी खुद पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, कोई अब मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया मुझे गेनर बता दो, मुझे मोटा होना है, भैया मुझे कोई प्रोटीन बता दो, मुझे बाइसेप का साइज गेन करना है, भैया मुझे फैट लॉस करना है, मुझे कोई बर्नर बता दो। यार इन सब चीज़ों से ऐसे मैं क्या बताऊँ आपको? क्या प्रोटीन खाने से बाइसेप का साइज बढ़ जाएगा? क्या फैट लॉस के लिए मैं आपको ये बोल दूँ कि भैया ये वाली फैट बर्नर ले लो, ऐसे फैट बर्न हो जाएगा? हर एक चीज़ का हिसाब होता है मेरे भाइयों, आपकी डाइट, आपका वर्कआउट, हर एक चीज़ देख के, तब ये सब सप्लीमेंट कुछ काम नहीं करते। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, जो जो मेरे साथ, जुड़ा हुआ है, उन सबको आज अच्छे से पता है कि डाइट और वर्कआउट 70% है, सप्लीमेंट सिर्फ 10% है। क्योंकि मैंने उन्हें सब समझाया है, बताया है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है 2-2, 3-3 महीने में, वो भी डाइट से। तो मुझे आज बहुत खुशी होती है कि वो खुश हैं, कि उन्हें अब पता चल गया कि डाइट मैटर करती है। वो भी जब मेरे से, जब मेरे पास वो जुड़े थे मेरे से, वीर जी वेजिटेरियन थे, उन्होंने मुझसे बोला कि सर मुझे बॉडी बनानी है, तो मैंने कहा बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है वीर जी। तो उन्होंने बोला मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने बोला आप वेजिटेरियन हैं तो क्या हुआ, क्या आपकी बॉडी नहीं बन सकती? तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर मैंने 2-3 ट्रेनर से पर्सनल ट्रेनिंग ली है और वो ये कहते हैं कि वेज वालों की बॉडी नहीं बनती नेचुरल में। तो मैंने उनसे ये कहा कि वीर जी मुझे आप 3-4 महीने दे दो, मैं आपकी बॉडी बनवाऊंगा, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे पे ट्रस्ट करो। तो मैंने 2 या 3 महीने वीर जी को ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दी थी। ऑनलाइन मैं सैटरडे संडे आके उन्हें बस थोड़ा सा बताता था, उनकी फॉर्म बताता था, बट उन्होंने अकेले इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मज़ा आ गया। तो ऐसे लोगों को मैं फ्री में पर्सनल ट्रेनिंग दूँ, मुझे खुद खुशी मिलती है। और जो लोग गाजियाबाद से हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा कि जो लोग थक चुके हैं, जिनकी बॉडी नहीं बन रही और जो चाहते हैं बॉडी बनाना, वो पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाने का है। मैं 2 या 3 महीने में आपकी बॉडी भी बनवा दूँगा और आपको सिखा भी दूँगा और आपको बता भी दूँगा कि किस तरह से एक्सरसाइज लगाते हैं, क्या वर्कआउट स्प्लिट होती है, क्या डाइट होती है, किस तरह से डाइट लेनी होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग डाइट वीडियो देखते हैं कि किसी ट्रेनर ने बोल दिया भैया जिम से पहले आपको गेनिंग करनी है तो दही और आलू खाओ, जिम के बाद 2 केले खाओ, जिम से पहले ये खाओ। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, ऐसे होता तो आज सबकी बॉडी बन जाती। जब आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो हर एक न्यूट्रिशन
के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पोटेशियम कितना चाहिए आपको, जिम के दौरान क्या चाहिए होता है, जिम से पहले क्या चाहिए होता है। लोग बाग एक केला खा के चले जाते हैं जिम से पहले, या चने खा के चले जाते हैं, या मूंगफली खा के चले जाते हैं। क्या आपको लगता है आपकी बॉडी ऐसे बनेगी जिस तरह से आप डाइट लेके जाते हो? तो मेरे भाइयों, मैसेज करो, कोई भी दिक्कत है मुझे आपसे मतलब है, मुझे आपके रिजल्ट चाहिए। 100 वीडियो है यूट्यूब पे, वीडियो बहुत सारी है, और जैसे मैं एक यूट्यूबर हूँ ऐसे बहुत सारे हैं यूट्यूब पे, तो तब भी आपकी बॉडी नहीं बन रही। तो मैसेज करो, और जो पर्सनल ट्रेनिंग ले सकता है मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लो मेरे से, आप पैसे अपने वेस्ट मत करो। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि सबके पैसे वेस्ट हो रहे हैं। मुझे पता है जो लोग जिम जाते हैं उनका प्रोटीन का भी खर्चा होता है, या तो वो क्रिएटिन ले रहे होते हैं, या तो वो फैट बर्नर ले रहे होते हैं पेट कम करने के लिए, कोई मसल साइज के लिए टैबलेट ले रहे होते हैं, इंजेक्टेबल का यूज़ करने लगते हैं, तो यार कुछ फ़ायदा नहीं है। तो सपोर्ट करो अपने भाई को, आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगेन उनके लिए थैंक यू सो मच जो मुझे फॉलो करते हैं यार। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, और जो मुझे फॉलो कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरा यूट्यूब चैनल है तरुण कपूर फिटनेस के नाम से, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो मुझसे जलता है तो वो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है आपको बताने का, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा। तो बाय गाइस, लव यू, फिट रहो, हेल्दी रहो, और कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर दो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तरुण कपूर फिटनेस, डिस्क्रिप्शन में मेरी फेसबुक भी है आईडी, इंस्टाग्राम आईडी भी है, और फेसबुक मेरा अकाउंट भी है, तो जाइए मुझे फॉलो कीजिए। तो बाय गाइस, टेक केयर, लव यू, फिट रहो और हेल्दी रहो। सो बाय।